यस इन द न्यूज रूम में मेरे साथ स्वागत कीजिए लबासना के डायरेक्टर रहे संजीव चोपड़ा जी का। उपराष्ट्रपति के बाद जो सबसे बढ़िया पद है इस देश में वो लबासना के डायरेक्टर का है। देश के सबसे ब्राइट यंग माइंड्स के साथ कि ओवरऑल पर्सनालिटी में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाने की जो एक अपॉर्चुनिटी मिलती है एकेडमी में वो शायद अनपैरेलल्ड है। वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स में से है यूपीएससी। जो ट्रेनिंग है ट्रेनिंग इज नॉट टफ बिकॉज आईपीएस वाली भी नहीं। IPS की ट्रेनिंग टफ है बिकॉज देयर इज अ फिजिकल कंपोनेंट इन दैट। हमें IPS की ट्रेनिंग में भी थोड़े परिवर्तन लाने चाहिए बिकॉज अब वो डकॉयट तो चले गए चंबल के, अब तो साइबर क्राइम है। ये कहते हुए भी जरूरी है कि घुड़सवारी होनी चाहिए, जरूरी है, लेकिन घुड़सवारी इज मोर फॉर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। DMSP को घोड़ा लेके तो कंट्रोल नहीं करना है। लबासना जो है एक तरह का मैट्रिमोनियल सेंटर भी बन गया है। जिस एज में आते हैं तो उस एज में वो स्वाभाविक है, वो चाहे JNU हो तो JNU भी मैट्रिमोनियल सेंटर है, सेंट स्टीफन्स कॉलेज भी है, अशोका भी है, DU भी है, आई एम श्योर ललन टॉप भी होगा। मसूरी के आसमान में उड़ने वाले पंछी बताते हैं कि कुछ मस्ती मजाक के लिए DJ नाइट वगैरह भी होती है एंटरटेनमेंट का। बिल्कुल नहीं, इनफैक्ट इट इज एनकरेज्ड। हम वी डू इंडिया डे सेलिब्रेशंस। द होल पर्पस इज कि आपस में मिलें, इसी से तो हम एक दूसरे को समझ पाएंगे। लबासना से पहले आप पश्चिम बंगाल में पोस्टेड थे, बट आपने बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार के साथ काम किया और ममता बनर्जी की सरकार के साथ भी काम किया। कैसा था वो अनुभव? डायरेक्ट मीटिंग हो पाती थी इन दोनों? डायरेक्ट मीटिंग ममता बनर्जी के साथ ज़्यादा होती थी बिकॉज जो मेरा मंत्रालय था एग्रीकल्चर वो अलायंस पार्टनर के साथ था। ना आपका एक बयान है, मतलब आपने एक बार ये कहा है कि थोड़ा मुश्किल था CPM के मुकाबले ममता बनर्जी के साथ काम करना। किसी भी रीजनल पार्टी में, चाहे वो अकाली दल हो या आम आदमी पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या एक DMK हो, इसमें कोई रिकोर्स नहीं बिकॉज इसमें तो पार्टी भी वही है, गवर्नमेंट भी वही है, CM भी वही है, तो थोड़ा एक इट्स स्लाइटली मोर डिफिकल्ट। NDA तिवारी के लिए स्पीचेस भी लिखी हैं आप? हाँ बिल्कुल, गवर्नर बन गए हैं आंध्र प्रदेश के, तब भी वो तब मैं बंगाल में था वो तब भी बोलते थे कि चलो भाई ये आज शाम को यहाँ बोलना है तो आप दूसरे प्रदेश में ही हो पर भेजो एक। हाँ। भेजो एक। नक्शे से मोहब्बत कैसे की जाती है? नक्शे से ना केवल आपको अपने देश के बारे में लेकिन आप अपने नेबरिंग देश को कैसे देखते हो उसका भी एक आइडिया लग जाता है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने कभी भी चाइना को भारत के नक्शे पे नहीं रखा, उन्होंने हमेशा तिब्बत ही शब्द यूज़ किया। साहिर को मैंने पढ़ा, मिर्ज़ा गालिब को पढ़ा, तो साहिर के साथ आपने अमृता प्रीतम को भी पढ़ा। अमृता प्रीतम की वो नज़्म, एक्सट्रीमिज़म अपने पीक पे था तब पंजाब रोडवेज ने उस नज़्म को लगाया, उससे बहुत इम्पैक्ट हुआ। वो लिख रही हैं बुल्ले शाह के लिए, अजाखा वारिस शान उठ कबरां विचों बोल, त्याज किताब इश्क था कोई अगला वरखा खोल, एक रोई सी थी पंजाब दी तू लिख देते सन वैन, अज लखा तियां रुलदियां तेनू वारिस शाह नू कहन, उठ दर्द मंदा दिया दर्दिया उठ तक अपना पंजाब, ते लखा तियां रुलदियां लहू दी परिचना।